नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 7 बजने वाले हैं और 7 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज सागर। जम्मू कश्मीर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के पोस्टर में अलगाववादी आसिया अंद्राबी का पोस्टर लगाने पर विवाद, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। इसी पोस्टर में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, साइना मिर्जा जैसी 12 हस्तियों के साथ आसिया अंद्राबी की तस्वीर लगाई गई है। आसिया देश विरोधी गतिविधियों के मामले में जेल में बंद है। पोस्टर दक्षिण कश्मीर में बच्चियों की शिक्षा को लेकर जागरूकता के लिए लगाया गया। आसिया अंद्राबी कश्मीर की आजादी और कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने की बात करती है। आसिया दुख्तराने मिल्लत नाम से एक संस्था भी चलाती है। आसिया पर पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस और नेशनल डे के मौके पर पाकिस्तान का झंडा फहराने का भी आरोप है। विवादित पोस्टर पर फिलहाल जम्मू कश्मीर सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। आज से भोपाल में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक शुरू हो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। आरएसएस के 300 से ज्यादा सदस्य बैठक में हिस्सा लेंगे। देश की मौजूदा आर्थिक हालात, रोहिंग्या शरणार्थियों, जम्मू कश्मीर और गौरक्षकों की हिंसा जैसे मुद्दे पर चर्चा की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी का पुलिस को सख्त निर्देश, कहा राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पुलिस के साथ बैठक में सीएम योगी ने दीपावली और छठ पर शांति कायम रखने का अल्टीमेटम दिया है। अप्रिय घटना होने पर कार्रवाई की भी धमकी दी है। गुजरात के खेड़ा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी के विकास के दावों पर निशाना साधा, कहा 2028 तक पीएम मोदी गुजरात वालों को चांद में घर देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे पार्टी की चुनाव प्रक्रिया खत्म होगी। राहुल गांधी के नाम पर मोहर लगने के लिए कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को दीपावली की सौगात दी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को मंजूरी दे दी गई। बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। अलग अलग कैटेगरीज में 10,000 से 50,000 तक का वेतन बढ़ जाएगा। जी मीडिया के मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी हिस्सा लिया। देश के आर्थिक विकास से जुड़े सवालों का जवाब दिया। कॉन्क्लेव में रेल मंत्री पीयूष गोयल और राज्यवर्धन सिंह राठौर भी शामिल। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज आरुषि और हेमराज मर्डर केस में फैसला सुनाएगा। राजेश तलवार और नुपुल तलवार ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 7 सितंबर को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। 2013 में सीबीआई कोर्ट ने राजेश और नुपुर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लखनऊ में सीएम योगी ने संकल्प बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। भगवा रंग की बसों में किराया 30% कम रखा गया। रेप के आरोपों में घिरे सीपीएम सांसद ऋताव्रत बनर्जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी ने भी नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया। टीएमसी के निलंबित नेता मुकुल रॉय ने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। मालेगांव धमाके में एक और आरोपी समीर कुलकर्णी को जमानत मिली। कोर्ट ने समानता के आधार पर जमानत दे दी। अनुपम खेर होंगे एफटीआईआई के नए चेयरमैन, गजेंद्र चौहान की जगह लेंगे। दिल्ली मेट्रो में किराए की बढ़ोतरी में केंद्र सरकार कर सकती है कटौती। विरोध के बाद शुरुआती स्लैब का किराया 5-5 रुपए कम हो सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मेट्रो सत्याग्रह का आज दूसरा दिन। पहले दिन पार्टी ने बढ़े हुए किराए के विरोध में 69 मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शन किया। अक्टूबर को होने वाली देशव्यापी हड़ताल को पेट्रोल पंप मालिकों ने वापस ले लिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय से मिला व्यापारियों को भरोसा। वसूली मामले में गिरफ्तार दाऊद के भाई इकबाल कास्कर पर मुंबई पुलिस की सख्ती। कास्कर समेत 3 लोगों के खिलाफ मकोका मामले में केस दर्ज। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी को पटियाला हाउस कोर्ट का नोटिस। ऑगस्टा वेस्टलैंड डील मामले में 20 दिसंबर तक हाजिर होने का आदेश। पटना और बोधगया ब्लास्ट केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फैसला सुनाया। नाबालिग आरोपियों को 3-3 साल की सजा।
पंचकुला पुलिस आज हनीप्रीत और डेरा की चेयरपर्सन विपासना इंसा के साथ बिठाकर पूछताछ कर सकती है। कल पुलिस हनीप्रीत को श्री गंगानगर ले गई थी। हनीप्रीत ने पंचकुला हिंसा में शामिल होने की बात कबूली। सूत्रों के हवाले से खबर, राम रहीम की सजा पर हिंसा भड़की थी। रोहतक जेल में रेप के दोषी राम रहीम से 3 घंटे तक पूछताछ। दो लोगों को नपुंसक बनाने के मामले में सीबीआई ने सवाल पूछे। नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। 15 से 18 साल से कम उम्र की बीच में पत्नी से संबंध बनाना रेप की कैटेगरी में रखा जाएगा। दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को नया लुक मिला। पीएम मोदी भी लाइटिंग के उद्घाटन पर पहुंचे। 10 दिन बाद रिटायर हो रहे कर्मचारी ने सोलर लाइटिंग का उद्घाटन किया। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक जगमगाएगी रंगीन रोशनी। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर एनजीटी की रोक जारी रहने वाली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पाबंदी हटाने की याचिका को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश के बागपत में स्कूल बस के कंडक्टर पर छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप। हंगामे के बाद पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में लिया। यूपी के बुलंदशहर में बच्चे की पिटाई से नाराज गांव वालों का स्कूल में हंगामा। पुलिस ने स्कूल मैनेजर पर केस दर्ज किया। इलाहाबाद में छात्र संघ चुनाव प्रचार के दौरान देसी बम से हमला। यूनियन हॉल कैंपस के बाहर 2 बम फटे। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। पास के मकानों को भी इससे नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस पर एक व्यक्ति को पीटने का आरोप। पुलिस ने ही पिटाई का वीडियो भी बनाया। बेंगलुरु में बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढों की वजह से अक्टूबर महीने में अब तक 4 लोगों की मौत। राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जल्द ही गड्ढे भरे जाने का भरोसा दिया। हैदराबाद में महिला से बदसलूकी करने वाले टीआरएस नेता पर अब तक कोई एक्शन नहीं। पीड़ित महिला ने पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। पूर्वी एमसीडी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। आज मेयर के दरवाजे पर कूड़ा फेंकेंगे हड़ताली कर्मचारी। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में आग लगने से 2 दुकानें जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। दिल्ली एनसीआर के पटाखा कारोबारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। कारोबारियों ने घाटे की दलील देते हुए बैन पर राहत की मांग की है। महाराष्ट्र में पटाखों की बिक्री पर बैन को लेकर उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के मंत्री की क्लास ले ली। रामदास कदम ने बैन का प्रस्ताव रखा था। मुंबई के एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज में बारिश की वजह से हादसा हुआ। रेलवे की जांच में यह दावा किया गया। बीएमसी ने कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस की घोषणा की है। 2250 से लेकर 14500 तक के बोनस का ऐलान। उत्तराखंड में चंपावत में बीजेपी नेता सूरज टेक गिरफ्तार। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से मारपीट का आरोप। पंजाब के नवा शहर में आवारा सांड ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। सड़क पर चलते वक्त सांड ने अचानक से हमला कर दिया। कोयम्बटूर में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदर्शन। राज्य सरकार पर जरूरी इंतजाम नहीं करने का आरोप। तमिलनाडु के सुलूर में तहसीलदार ने 10 चर्चों को बंद करने का नोटिस दिया। चर्च के सदस्यों ने जिला प्रशासन से इसकी शिकायत। यूपी के बांदा में रेलवे की संवेदनहीनता देखने को मिली। रेलवे ब्रिज पर शव के ऊपर से कई ट्रेनें गुजर गई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अंधविश्वास के लिए तेंदुए की हत्या। आरोपियों ने नाखून के लिए तेंदुए के 4 पैर काट दिए। दार्जिलिंग में धान के खेत से हाथी का शव मिला। करंट लगने से मौत की आशंका। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में पत्थर से मारकर भाई की हत्या। दोनों भाइयों के बीच पैसों को लेकर विवाद था। आरोपी गिरफ्तार। बिहार के लखीसराय में कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक की गोली मारकर हत्या। घर लौटते वक्त बदमाशों ने घात लगाकर हमला किया। नोएडा के सेक्टर 49 में क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद में 2 सगे भाइयों की हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बरेली में पति पत्नी का शव मिलने के बाद हड़कंप। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई। बिहार के बेतिया में बैंक मैनेजर पर खातों से 10 लाख रुपए निकालने का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही आरोपी मैनेजर फरार है। मुंबई के पास थाने में फर्जी इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 10 ठिकानों में छापेमारी के दौरान 9 आरोपी गिरफ्तार हुए। राजस्थान के जालौर में हवाला कारोबारी से 35 लाख की लूट। लूट के बाद आरोपियों ने कारोबारी को जंगल में फेंका। आजमगढ़ में चावल कारोबारी के ड्राइवर से 5 लाख रुपए की लूट। ड्राइवर बैंक से रकम निकालकर लौट रहा था।
मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 260 पेटी अवैध शराब को जब्त किया, दो शराब तस्कर भी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा गैंगरेप मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। दशहरे के दिन पांचवी क्लास की छात्रा से गैंगरेप हुआ था। जोधपुर में ज्वेलरी शोरूम में महिला बदमाशों ने 2 लाख से ज्यादा के गहने चुरा लिए, चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बदमाश चकमा देकर कार से बैग लेकर भागा, कार मालिक को शॉर्ट सर्किट होने की बात कहकर उलझा दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राइस मिल से 6 लाख से ज्यादा की लूट हुई है, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पंजाब के तरन तारण में पुलिस ने 550 ग्राम हेरोइन जब्त की है, एक महिला समेत 2 की गिरफ्तारी हुई। नोट बैन का टैक्स कलेक्शन पर असर दिखा है, अप्रैल से सितंबर के बीच डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करीब 16% बढ़ा। पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन में भी उछाल, कलेक्शन 30% बढ़ा। वन प्लस मोबाइल पर डेटा चोरी करने का गंभीर आरोप लगा है, कंपनी ने माना है कि सेवाएं सुधारने के लिए डेटा इकट्ठा किए। अब तक 79% भरा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का आईपीओ, प्राइस बैंड 855 से 912 रुपए प्रति शेयर, आईईएक्स को सुस्त रिस्पॉन्स। एमसीएक्स पर सोने चांदी में हल्की गिरावट, सोना 40 रुपए तो चांदी 100 रुपए गिरा। भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान मिथाली राज ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की बस पर पत्थर फेंकने की निंदा की है, कहा खेल में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेंगे तेज गेंदबाज आशीष नेहरा, 1 नवंबर को खेलेंगे आखिरी मैच। इरफान और यूसुफ पठान की क्रिकेट अकादमी का मोबाइल कंपनी के साथ करार, गरीब खिलाड़ियों को हर साल 20 लाख रुपए की मदद करेंगे। ऑल हार्ट फुटबॉल क्लब के कप्तान बने विराट कोहली, 15 अक्टूबर को ऑल स्टार्स फुटबॉल क्लब से चैरिटी मैच होगा। नवाज शरीफ के पीएमएलएन प्रमुख बनने का रास्ता साफ हुआ, पाकिस्तानी सीनेट ने संसद से बर्खास्त व्यक्ति के पार्टी प्रमुख चुने जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पाकिस्तान आतंकी हाफिज सईद की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है, चुनाव आयोग ने आतंकी संगठनों के राजनीतिक पार्टी बनाने पर रोक लगा दी। आतंकी हाफिज की पार्टी मिल्ले मुस्लिम लीग पाकिस्तान चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देगी, पार्टी फिलहाल अनौपचारिक तौर पर काम करती रहेगी। आतंकी हाफिज सईद पर सामने आई पाकिस्तान की नई चाल, मोस्ट वांटेड के खिलाफ अदालत में नहीं सौंपे सबूत, रिहा कराने की साजिश। सरकार की लापरवाही पर लाहौर हाईकोर्ट ने कहा हाफिज के खिलाफ सबूत नहीं मिले तो रिहा कर देंगे। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बेकाबू हुई है, आग की वजह से अब तक 21 की मौत हो चुकी है। म्यांमार से बांग्लादेश जा रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की नाव समुद्र में पलट गई, 12 शरणार्थियों की मौत हो गई। लीबिया में कोस्ट गार्ड ने 75 शरणार्थियों को बचाया, 19 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रासायनिक हमले से निपटने का अभ्यास, मीडिया को अभ्यास से दूर रखा गया। सीरिया के दमिश्क में पुलिस मुख्यालय पर आत्मघाती हमला, 2 लोगों की मौत हुई, 6 घायल हुए। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी जहाज की मौजूदगी से चीन नाराज है, आधिकारिक तौर पर आपत्ति दर्ज कराई। तुर्कमेनिस्तान से रूस के राष्ट्रपति पुतिन को शेफर्ड डॉग तोहफे में मिला है, दोनों ही देशों के रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद जताई। अमिताभ बच्चन ने अपना 75वां जन्मदिन मालदीव में सेलिब्रेट किया, प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गज हस्तियों ने जन्मदिन की बधाई दी। कंगना के साथ विवाद को लेकर ऋतिक ने चुप्पी तोड़ी, उन्होंने मीडिया को पूरे मामले से दूर रहने के लिए गुजारिश की है। रेस 3 की कास्ट में बॉबी देओल का नाम भी जुड़ा है, फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश तरानी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। अमिताभ बच्चन को रेस 3 के लिए अप्रोच किया गया लेकिन फिल्म झुंड के लिए ऑफर ठुकरा दिया। कपड़ों के डिजाइन को कॉपी करने के मामले में अनुष्का की तरफ से सफाई सामने आई, अनुष्का के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक पूरे मामले में अनुष्का की कोई गलती नहीं है। शाहरुख खान सोशल मीडिया पर पत्नी गौरी के डिजाइन स्टोर के प्रमोशन में जुटे, इसे लेकर शाहरुख ने एक वीडियो भी शेयर किया। एक्टर राजकुमार राव ने ऐश्वर्या राय की जमकर तारीफ की, उन्होंने फिल्म फनेखा में ऐश्वर्या को साथ करने को सपना सच होने जैसा बताया। फिल्म पद्मावती में दीपिका का लुक मार्केट में छाया, बाजार में दीपिका के लुक से मिलती जुलती डॉल की बिक्री शुरू हुई।
फिल्म पद्मावती के लिए मिल रहे समर्थन से रणबीर कपूर बेहद खुश हैं। उन्होंने भी आगे इसी तरह के दमदार रोल करते रहने का भरोसा दिया।